अभी हम पढ़ेंगे सर्ड्स को सिंप्लीफाई करना। सर्ड्स को कुछ सर्ड्स सिंप्लीफाई होते हैं, उसको सॉल्व करना। हाउ टू सॉल्व द रूट्स। अब जो रूट कंप्लीटली सॉल्व होगी उसको सर्ड मत बोलना। तो चलो कैसे सॉल्व करते हो देखो। क्या होता है, एक बेसिक रूल है, अगर पावर n है, पावर क्या है n, और उसका nth रूट है, ये nth रूट है, तो क्या होता है, पावर n और nth रूट एक दूसरे को कैंसिल कर दो, n और nth रूट कटता है, बचा सिर्फ कितना yes। अब ये काटते हुए दिखाया मैंने, यह ऐसा है, n और n रूट कटता है तो बचा कितना yes। अब आप बताओ, ये मैंने स्क्वायर लिया, क्यूब लिया, और यहाँ पे क्यूब रूट है, तो मैंने क्या कहा था, दोनों सेम चाहिए, तो क्यूब है और ये क्यूब रूट है, आपस में कैंसल होते हैं, तो बचा कितना yes। यानी ऐसा, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट और क्यूब ने काट दिया, बचा कितना yes। बताओ वहां है पावर फोर है और ये फोर्थ रूट है, तो क्या हो जाएंगे कैंसल, कितना ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, बताओ यहाँ पे क्या है, जब कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट रहता है, यहाँ पे टू रहता है ना, ये टू है और ये भी टू है, स्क्वायर है स्क्वायर रूट, क्या होते हैं कैंसिल, बचा कितना एक्स, ये तो जो अंदर है वही बाहर चाहिए, पकड़ जाता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, अब ये कटेगा क्या नहीं, ये जैसा है वैसा ही, सर जैसा है वैसा क्यों लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर है, अंदर टू है और बाहर कौन है थ्री है, याद रखना ये वाला नंबर यहाँ पे अंदर चाहिए, इधर नहीं चाहिए, हाँ काफी चाहिए, सिंबल है ना इसके अंदर, ऐसा अगर इधर लिखा तो वो नहीं रहता। अब बताओ ये सिंबल कौन सा, आप मुझे बताओ, ये स्क्वायर रूट का है कि क्यूब रूट का है, स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है, अंदर क्या है टू, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है तो क्या रहता है टू, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है, और यही अगर थ्री अंदर होता तो बताओ बताओ क्या बोलेंगे, क्या लिखा है आपने थ्री, थ्री रहा तो क्या बोलते हैं क्यूब रूट, ये कौन सा सिंबल है क्यूब रूट, और ये कौन सा है स्क्वायर रूट, बताओ यहाँ पे फोर है बाहर फाइव है, बताओ क्या, तुम्हारे बाहर का नंबर देखना है क्या, कभी वो नहीं देखना, ये जो है ना कुंडा आता है ना सर वी शेप, इस वी शेप के अंदर क्या है वो देखना, ये वाला कौन है थ्री यानी क्यूब रूट, कौन है यहाँ पे फोर, तो क्या बोलना फोर्थ रूट, ठीक है, और सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो क्या बोलना कुछ नहीं रहा तो क्या बोलना स्क्वायर, तो ये बाहर का नंबर नहीं देखना, बाहर का नंबर कुछ भी रहे, क्लियर। चलो अब सॉल्व कैसे करते हुए, ये सॉल्व तभी होगा, इसका रूट कैंसल कब होगा, जो अंदर है वही ऑर्डर और अंदर का पावर सेम है, ये ऑर्डर और ये पावर है दोनों सेम है, ऑर्डर फोर पावर भी फोर कैंसल, ऑर्डर टू पावर भी टू कैंसल, ऑर्डर थ्री पावर भी थ्री क्या कैंसल, ऑर्डर और पावर कैसे चाहिए सेम, तब कटेंगे ना, ऑर्डर ऑर्डर थ्री पावर टू ये डिफरेंट है ना कैंसल नहीं हुआ, यानी ये रूट रूट का रूट च रहा वो सॉल्व नहीं हुआ, जब ये पूरा रूट कट जाता है उसको बोलते हैं सॉल्व करना, पूरा सॉल्व हो गया और हमें इंटीजर मिल गया, कौन मिल गया इंटीजर, वैसा हमें सॉल्व करना पड़ना, तो कैसे, कोई भी नंबर है ना उसको जैसे मैं बोलता हूँ ट्वेंटी के स्क्वायर रूट को सॉल्व करो, ये 20 का स्क्वायर अभी कितना सॉल्व, तो पहले तो मैं 25 कर लेता हूँ जाते हैं, अब बता 25 और इसके फैक्टर्स करना, इसको क्या करना डिवाइड द नंबर, मैं आपको इसके रूल लिख के देता हूँ, रूल रूल ऐसा है डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2, 3, 5, 7, 11
13, 17, 19, 93, इन नंबर से ही डिवाइड करना है हमेशा, दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना बार बार, इससे 2, 3 ये प्राइम नंबर से, क्या ये डिवाइड द गिवन, डिवाइड द गिवन नंबर बाय प्राइम नंबर्स, बाय बाय द फॉलोइंग प्राइम नंबर्स, फिर ये नीचे लिख दो डिवाइड द गिवन नंबर, जो नंबर है उसको प्राइम नंबर से डिवाइड, ये वाले प्राइम नंबर से डिवाइड, फिर ये पहला मेक द ग्रुप ऑफ, मेक द ग्रुप ऑफ सेम नंबर्स, सेम नंबर्स का क्या करो ग्रुप, एंड राइट देम इन पावर फॉर्म, और उनको पावर फॉर्म में बस अब इतना ही लिखे देता हूँ, ज्यादा लिखे देने में राइटिंग में कोई मतलब नहीं है, आप ज्यादा समझने की कोशिश करो। एक एग्जांपल देता हूँ 25, इसको सॉल्व करना, बताओ 25 को बताओ 2 डिवाइड करता है, थ्री भी नहीं करता, गो के बाद 5 क्या होगा, 5 को इधर लिखना, चलो हाँ बताओ 5 25 बराबर है, अब इस 5 को कौन डिवाइड करता है, कौन करता है क्या, कौन 5 बंदा, तो बताओ 25 के स्क्वायर रूट के दो ही फैक्टर है 5 और 5, हाँ सर हमने डिवाइड किया 2, 3 से, नहीं किस से हुआ 5, मेक द ग्रुप ऑफ सेम नंबर्स, सेम नंबर का ग्रुप करो तो 5 और 5 का ही ग्रुप सेम नंबर है ना, एंड राइट देम इन पावर फॉर्म, इसको पावर फॉर्म में लिखो, 5 × 5 होता है 5 स्क्वायर, 5 × 5 क्या होता है 5 स्क्वायर, अब बताओ आपको इधर क्या पढ़ाया था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आंसर कितना हुआ 5, तो बताओ ये वाला रूट सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्व होके क्या मिला, इंटीजर, क्या मिला इंटीजर, ये सर्ड नहीं है, तो रूट 25 इज नॉट ए सर्ड, जो सॉल्व नहीं होता वो सर्ड, पूरा सॉल्व हो गया नहीं, हाँ चलो अब मैं लेता हूँ यहाँ पे 36, चलो सर 36 का कार्यक्रम कर देते, पहले हमेशा 2 से बताओ, पहले 2 से डिवाइड करो, बताओ 2 ने डिवाइड किया तो क्या है, करके देखो अब यहाँ पे नहीं, आपका बेसिक पक्का होना चाहिए डिवाइड करना, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, अब कितना आया 8, और जो आंसर आता है ना वो उधर लिखो, डिवाइड किससे करना 2 से, इधर लिखना आंसर, इधर लिखना, अब ऐसा हाथ रखो, हो गया, फिर से 2 से बार बार उसी से करना, जब तक 2 से होता है तब तक 2 से करना, जब 2 से होगा नहीं तब 3 से करते रहना, 3 से बार बार 3 से, और जब 3 से नहीं छोड़ा तो 5 से, ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 से भी नहीं हो रहा था, 3 से भी नहीं हो रहा था, इसलिए किससे किया 5 से, पता यहाँ पे 2 से होता है ना, 3 से 2 से होता है, अब हाथ रखो, अब 2 से होता है क्या, अब किससे हो रहा है, 3 से, अब फिर से 3 से होता है, हो गया ना, चलो बताओ इसके फैक्टर हमने किए 2, 2, 3, 3, हाँ सर डिवाइड कर गिवन नंबर, गिवन नंबर यानी रेडिकेंट है, क्या ये रेडिकेंट आपको पढ़ाया ना बेटा, कि अंदर वाले नंबर को क्या बोलते हैं रेडिकेंट, यानी रेडिकेंट को डिवाइड करो, कौन है रेडिकेंट 36, उसको डिवाइड करो, किया सर, मेक द ग्रुप ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर का ग्रुप करो, 2, 2 का ग्रुप होगा, होगा ग्रुप, अब ग्रुप होने के बाद राइट देम इन उसको पावर फॉर्म में लिखो, तो लिखे सर पावर फॉर्म 2 × 2 = 2, 2 स्क्वायर, 3 × 3 = 3 स्क्वायर, लिख दिया पावर फॉर्म, और अब बताओ आपको मैंने यही पे पढ़ाया स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो बताओ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आंसर, तो 2 बचेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आंसर तो बचे कट गया, कितना बचेगा, कितना आया 2, 3 = 6, आप बताओ 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है ना, नहीं होता, आपने जो थोड़ी देर पहले बताया था 6 स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 का स्क्वायर रूट 6, थोड़ी देर पहले आपने नहीं बताया था ना,
चलो अब बताओ, अब बताओ ये पूरा सॉल्व हो गया कि नहीं सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया तो इसको सर्ड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? रूट 36 इज नॉट ए सर। अब मैं और क्लियर, हां ये रेडिकेंट को नहीं बताओ, रेडिकेंट 64। चलो फिर से कहां से शुरू करना? 2 से। बताओ 2 से डिवाइड करके क्या होगा? 2 3 6, 2 2 4। ऐसा आता रहो, फिर से 2 से बार बार करना। 2 से 2 1 2 2 6 2 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
तक 2 6 करो, बोलो फिर से 2 6 ये साइन रूट वाला जैसा है सर, वो आप बोल रहे थे मेक द ग्रुप ऑफ सेम नंबर का ग्रुप करो, तो सर पूरा एक ग्रुप होगा, ऐसा नहीं करना। मेक द ग्रुप ऑफ सेम नंबर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के हिसाब से। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर याद रखते ना, ऑर्डर कहाँ पे रहता है, यहाँ पे ना, पता ऑर्डर कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या 2 है, इधर पढ़ाया था ना, बता इसका ऑर्डर क्या है, 4 ऑर्डर 3 ऑर्डर 2, बता इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो दो का ग्रुप करना, ये ग्रुप यानी ऑर्डर 2 है तो दो का ग्रुप। चलो बताओ रे, 2 × 2 एंड राइट देम इन पावर फॉर्म, 2 × 2
नहीं रहेगा। क्या बात समझे आप कि अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। मैंने शुरुआत में जानबूझ के ऐसे एग्जांपल लिए जिसमें सेम ग्रुप बनते थे लेकिन दो का ग्रुप बनाना ऑर्डर टू एक फाइव 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 स्क्वायर स्क्वायर करो क्या आंसर इसके इतने के ने डिवाइड किया तो टू टू का है थ्री थ्री नाइन टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर 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 आंसर 64 के बाद इतने ग्रुप बने लेकिन दो दो का ग्रुप बनाना और 72 के एक बच गया क्योंकि दो का ग्रुप बनाना पड़ता है तो ये टू स्क्वायर ये थ्री स्क्वायर ये अकेला बच गया और अकेला बच गया तो वह वैसे ही सही रहेंगे बाकी के निकल आएंगे बाहर फिर ये बन गया ये पूरा सॉल्व हुआ ही नहीं तो क्या बोलते इसको और इसकी प्रैक्टिस ले गई ठीक है मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ वो आप फटाफट करना है पॉज कर हाँ पहले हमें पहला प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे तो 24 को बताओ 2 से सॉल्व किया डिवाइड तो 2 से किया 2 2 से किया 2 है ना बोलो ये रेडिकेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं ऐसे है ना बोलो ग्रुप सिर्फ ऑर्डर के हिसाब से करना ऑर्डर 2 है ना तो ग्रुप 2 का ही करना 2 का ही हालांकि 3 का हो सकता है लेकिन करना नहीं सेम नंबर का ही करना लेकिन वो ऑर्डर के हिसाब से और फिर उसको पावर फॉर्म में लिखना 2 इंटू 2 और इनको एक कर देना ये 2 3 का क्या हो गया 6 उसको अलग अलग रखे कोई मतलब नहीं चलो अब बताओ स्क्वायर स्क्वायर रूट ये 2 बाहर आया और ये अंदर रहेगा क्या रहेगा वो अंदर तो बताओ सर है कि नहीं सर है चलो दूसरा रूट 28 2 से डिवाइड किया 14 फिर 2 से डिवाइड किया 7 फिर 7 से डिवाइड किया 1 बोलो क्या होगा 2 2 7 7 चलो आप सब बताइए मुझे कौन रिपीट हो रहा है तो किसमें का दो का ग्रुप बनाना बोलो क्या होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ये नहीं होगा ये अंदर चलेगा तो बताओ ये सर है कि नहीं है उसके बाद बताओ 40 है ना चलो बताओ 40 को पहले 2 से 2 ने डिवाइड किया और 2 ने डिवाइड करो और 2 ने करो आगे की हाँ ऐसा करते जाना चलो अब बताओ उनको नहीं 2 2 2 5 ये इनको मल्टीप्लाई करके बराबर 40 चलता है बराबर 2 2 2 3 आया था ना 3 2 6 6 2 12 2 तो बताओ अब ग्रुप कितने करना 3 का करो या 2 का 3 की पेयर बन सकती है लेकिन बना सिर्फ 2 की पेयर चलो बताओ ये 2 इंटू 2 और इन दोनों को एक कर देना कितना स्क्वायर स्क्वायर रूट ये बाहर है नहीं ये नहीं आएगा ठीक है ये हो गया तीसरा तो सर है ना ये लिखना सर है करके नेक्स्ट कौन सा 27 पहले 27 का पोस्टमार्टम कर लो हाँ बोलो 2 से डिवाइड होगा क्या ये नहीं किससे होगा 3 से बोलो 3 9 का अब 2 से नहीं होता 3 3 का अरे बाप रे पूरे 3 3 3 जाए इसमें तो बताओ ग्रुप 3 का है 2 का क्यों ऑर्डर 2 है ना तो 2 का ही ग्रुप करना बताओ 3 इंटू 3 और ये बोले 3 क्या अकेला बचा ना स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या बचा 3 और ये ठीक है उसके बाद कौन सा 45 बोलो 45 को 2 से भी नहीं होता 3 से होता है ना 3 से होता है लेकिन आपके ध्यान में नहीं आया मैंने लिस्ट क्या बनाई थी 2 फिर 3 ऐसा बताया था अब ध्यान में रखो 2 ने आपने 2 से नहीं 3 से होता है लेकिन आपके दिमाग में नहीं आया आपके दिमाग में आया 5 तो आपने क्या किया पहले 5 से किया 5 9 था अब बताओ ये 2 से 3 अब 3 से होता है कि नहीं तो बाद में नहीं ध्यान में आया तो पहले नहीं आया ध्यान में तो बाद में तो भी आया तो चलता है ऐसा कुछ नहीं बताओ 3 3 9 3 1 अब आप बताओ इस रूट 45 के कितने ग्रुप हो गए 5 3 3 बताओ 3 3 9 9 5 45 बताओ कितने का ग्रुप
पेयर किसके बने? थ्री और थ्री की किसकी नहीं बने? चलो बताओ ये फाइव है, थ्री इंटू थ्री स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये थ्री बाहर आएगा लेकिन ये कहाँ बनेगा? अंदर, क्योंकि जिसका स्क्वायर हो गया वही बाहर आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये नहीं है। चलो आप लोगों ने बहुत दिनों ने किया नहीं, तब से कुछ नहीं होता, अभी लिख रहे हैं कुछ नहीं। बोलो किससे होता है? टू से नहीं होता, थ्री से नहीं, किससे होता है? सेवन सेवन का फोर्टी नाइन। अब किससे होगा? सेवन का। बोलो कितना होगा? नहीं सेवन का स्क्वायर स्क्वायर रूट। चलो अब आपको एकदम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बताते हैं। चलो यहाँ पे देखो, आपने 27 का सॉल्व कर लिया ना, अब मैं 27 फिर से दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको भी क्यूब रूट दिया। क्या दिया? क्यूब रूट। चलो अब बताओ 27 का आप कर चुके हो, 3 3 3, और अब आप बताइए ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? 3। तो ग्रुप कितने का बना? 3। तो बताओ 3 का ग्रुप बनाएंगे, बनाया 3 × 3 3 का क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट। तो इज नॉट ए सॉल्व हो गया ना, इज नॉट ए सॉल्व। अब आपको 64 का अलग अलग तरीके से बताएंगे, इसका 64 आप 64 का थोड़ी देर पहले कर चुके होंगे, 2 से डिवाइड किया तो 32, 2 से किया तो 2 से किया तो 8, 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2, 2 से किया तो 1। अब देखो 64 के कितने सारे प्रॉब्लम आपके सामने कर दिए, ये 64 है हाँ। तो चलो शुरू करते हैं, पहले इसको ट्री डायग्राम में बताता हूँ, ठीक है? इस तरह से 64 का स्क्वायर, ठीक है? 64 कितने टू थे वो? सिक्स। कितने थे? सिक्स थे। चलो स्क्वायर रूट है, ऑर्डर कितना? टू। तो कितने के रूट बनाओ से? बोलो 2 × 2 2 × 2 2 × 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कितना आंसर है? 8। यानी 64 का स्क्वायर क्या है? 8। चलो अभी दूसरा, फिर से 64 लेकिन मैं क्या ले रहा हूं? क्यूब रूट। क्या लिया? क्यूब रूट। फिर से रूट 2 2 2 2 2 2 हो गया। बता जब ऑर्डर 2 रहता है तो 2 की स्क्वायर बना, ठीक है? अब ऑर्डर कितना है? 3। कितना है? 3। कितने की बनाना? 3। ये समझे? ऑर्डर 2 है तो 2 2 की है, 3 है तो 3 3 3। बता ऑर्डर 3 है मतलब 2 × 2 × 2 क्या होगा? 2 क्यूब। और 2 इंटू कोई भी 3 का होगा तो 2 क्यूब होगा ना, नहीं होगा? 3 बार मल्टीप्लाई करता है तो क्यूब होता है ना, 3 बार किया तो क्यूब होता है। बताओ क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल। बोलो कितना है? 4। यानी 64 का क्यूब रूट क्या है? 4। बताओ ये भी पूरा सॉल्व हो गया, क्या हो गया? नॉट ए, ये भी नॉट ए। चलो अब 64 का फोर्थ रूट लेते हैं, ठीक है? 2 2 2 2 2 कितने हो गए? 4 5 6। कौन सा रूट है? अब कितने की पेयर रूट? 4। कितने की? 4। 4 की पेयर हो रही, बाकी 2 की पेयर नहीं करना। जितना ऑर्डर उतनी स्क्वायर, 3 है तो 3 की स्क्वायर, 4 है तो 4 की स्क्वायर की, अब इसकी नहीं होती। यहाँ बोलो 2 2 2 2 कितनी बार है? अरे 2 कितनी बार है? 4 बार ना, और ये 2 × 2 अब इसको कुछ नहीं, वो स्क्वायर वर मत लिखना, क्या लिखना? डायरेक्ट 4 उनको मल्टीप्लाई कर देना। ऑर्डर 4 है तो 4 की पेयर बनाए 2 का पावर 4। बता 4 और 4th रूट कैंसिल, 4 और 4th रूट कैंसिल, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, और स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कैंसिल। तो देखिए कैंसिल हो गया 2, और ये 4 का 4th रूट जैसा है वैसा। अब बताओ ये सॉल्व हुआ या नहीं? नहीं हुआ। क्या ये सॉल्व? क्या ये सॉल्व? ठीक है ना, जब हमने स्क्वायर रूट था तो बराबर 2 2 की पेयर हो गई, क्यूब रूट था तो बराबर 3 3 की पेयर हो गई, इससे सॉल्व हो गया। जब 4 ऑर्डर 4 था तो 4 की एक पेयर हुई, दूसरी पेयर बनी नहीं, वो बच गया, और एक बार जो बच गया वो रनिंग में अंदर ज रहता है, तो फिर वो सर्ट बन जाता है।
और अगर मैं अगर बोलू 64 का फिफ्थ नोट तो बोलो कितनी बार है 2, ये तो बदलेगा नहीं, वो वही रहेगा। बताओ ऑर्डर कितना है, कितने की पेयर 5 की, और ये 2 बचेगा ना, बताओ क्या होगा 2 कितनी बार है, 5 बार, 2 का पावर 5 और 8 2 बच गया। बताओ हाई और फिफ्थ रूट क्या बचेगा, और लेकिन ये 2 का ऑर्डर 5 ये जैसा है इसका ये सर क्या है, ये जानबूझ के एग्जांपल लिया कि आपको अच्छे समझ जाए कि है तो 2 2 2 6 बार, लेकिन पेयर कितनी बनती है ऑर्डर के हिसाब से। ऑर्डर 2 है तो 2 2 की पेयर, ऑर्डर 3 है तो 3 3 की पेयर, ऑर्डर 4 है तो 4 की एकच पेयर बनी दूसरी नहीं बन पाई, और ऑर्डर 5 है तो 5 की एकच पेयर बनी एक छूट गया, और अगर 64 का ऑर्डर 6 होता तो 2 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
समझेंगे कितना है सिक्स सिक्स तो सिक्स रूट आंसर तो सॉल्व हो गया क्या हो गया नॉट दे यानी अभी ये ध्यान में रहेगा इसको तुम रिवाइज जब करोगे बार बार देखो कि हाँ कितने की पेयर बनती उतनी बना जैसे बताओ तीन की पेयर बन सकती थी लेकिन नहीं बनाई क्योंकि ऑर्डर कितना था टू इसने दो की स्क्वायर इसने थ्री स्क्वायर किया और वो एक थ्री बच गया स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल यही 27 मैंने फिर से लिया लेकिन अब मैंने क्या दिया क्यूब रूट अब यहाँ पर ऑर्डर थ्री तो कितने की पेयर बने तीन की और ऑर्डर टू है तो दो की फर्क पड़ गया तो ऑर्डर के हिसाब से पेयर थे ऑर्डर टू है दो की पेयर ऑर्डर थ्री है तीन की पेयर तो थ्री 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 क्या होगा थ्री क्यूब क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल तो जब क्यूब रूट था वो सॉल्व हो गया और स्क्वायर रूट था तो सॉल्व नहीं हुआ 64 देखो ना 64 स्क्वायर रूट में सॉल्व हो गया क्यूब रूट में सॉल्व हो गया सिक्स रूट में सॉल्व हो गया लेकिन फोर्थ रूट और फिफ्थ रूट में सॉल्व नहीं इसलिए इसको कंपैरेटिव स्टडी करना है और अच्छे से देखो और भी ठीक है जाओ तो ये